भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के दौरे के लिए तैयार है। अपने काफिले पर हुए हमले के करीब एक महीने बाद किसानों को लुभाने के लिए पार्टी की नई मुहिम शुरू करने के उद्देश्य से नड्डा शनिवार को राज्य के पूर्वी बर्धमान जिले का दौरा करेंगे। पार्टी की यह मुहिम ऐसे समय से आरंभ की जा रही है जब किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। जेपी नड्डा इस दौरान जिले के क्षेत्र के किसानों के घर का दौरा करेंगे और एक मुट्ठी चावल को कलेक्ट करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष के द्वारा इस अभियान की शुरुआत के बाद राज्य में बीजेपी कार्यकर्ता इसे आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी पूरे जनवरी महीने को कृषक सुरक्षा के रूप में मनाने जा रही है। भाजपा का लक्ष्य बंगाल के 23 जिलों के 48,000 गाँव में पहुँचना है। इसके जरिए बीजेपी सीधे 74 लाख किसानों से जुड़ेगी। इस अभियान की शुरुआत वर्तमान से हो रही है जिसे राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है। बीजेपी की ओर से किसानों तक पहुंचने के लिए कृषक सुरक्षा ग्राम सभा का गठन किया गया। दरअसल कृषि कानून और किसान आंदोलन के मोर्चों पर टीएमसी की ओर से लगातार मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दिया जा रहा है। यही कारण है कि अब बीजेपी ने बंगाल में एक मुठो चावल यानी एक मुठ्ठी चावल का कैंपेन लॉन्च करने का फैसला लिया है। और इस कैंपेन को लेकर बीजेपी के अरविंद मेनन ने बताया कि 9 जनवरी को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस अभियान की शुरुआत करेंगे। मोदी जी की अगुवाई में हमारी सरकार केंद्र में किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। बीजेपी नेता के मुताबिक सिर्फ किसान ही नहीं, हम समाज के अन्य तबकों को भी साथ लेंगे। अपने दौरे के दौरान जेपी नड्डा वर्तमान में किसानों को संबोधित भी करेंगे और मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए कामों को गिनाएंगे। वहीं बीजेपी के इस कैंपेन से पहले टीएमसी ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। गुरुवार को ही टीएमसी सरकार में मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, क्या बीजेपी किसानों का ध्यान रख रही है? क्या उन्होंने दिल्ली को नहीं देखा है? दिल्ली में किसान इतनी ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं, नड्डा जी उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो यहाँ आकर किसानों से बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि बंगाल लोकतांत्रिक राज्य है।